तो ये मैं हूँ और ये वो वजह है जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। स्टार्ट करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन से। आपको एक कलर डिस्प्ले मिलता है जो कि 4.3 इंच का है। इस पे 850 वॉइसेज हैं टोटल, जिसमें से 32 से ये बेकार हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, ये छोड़ो। ये स्पेक्शीट की मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, पढ़ लेना। आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पर। तो इसका सबसे पहले मैं फिजिकल ओवरव्यू आपको बताता हूँ। ये सिंथ एक्शन कीज है, इसमें पियानो एक्शन कीज आपको नहीं मिलती है। आपको पिच बेंड एंड मॉड्यूलेशन व्हील दोनों मिल जाती है एंड इन व्हील की क्वालिटी काफी बेहतर है। यहाँ पे आपका एक्कॉम्पैनीमेंट ऑन या ऑफ करने का बटन है। हर एक बटन यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो कलर कोडेड है, तो आपको समझने के लिए बहुत इजी होगी। ये अलग अलग इंट्रो वेरिएशन के लिए, ये आपका जो एक्कॉम्पैनीमेंट का मेन वेरिएशन होता है उसके लिए। यहाँ पे एक ब्रेक का स्पेसिफिक बटन दिया हुआ है जिसमें कि ड्रम फिल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एंडिंग के लिए बटन दिया हुआ है, मेट्रोनोम का बटन दिया हुआ है, टेम्पो अप एंड डाउन का बटन दिया हुआ है, ऑन बोर्ड ट्रांसपोज अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है जो कि लो सेगमेंट में या बजट सेगमेंट के कीबोर्ड में बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होता है। टैप टेम्पो का बटन मिल जाता है, इसको अगर आप चार बार क्लिक करेंगे तो आपने जिस रफ्तार से क्लिक किया उसके हिसाब से ये अपना टेम्पो सेट कर लेगा। आपका पूरा एकम्पनीमेंट एंड ड्रम किट जो बजता है उसका स्टाइल कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सॉन्ग कंट्रोल मिलता है जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड बटन मिल जाता है मिक्सर पैनल के लिए। चैनल ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप जब एकम्पनीमेंट प्ले कर रहे होंगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि एकम्पनीमेंट में से मान लीजिए कुछ एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को अपने उसकी वॉल्यूम कम कर दी, जैसे कि मान लीजिए आपका पैड साउंड, गिटार साउंड, पियानो साउंड, इतनी सारी चीजें एक साथ प्ले हो रही है, आपने किसी को ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ये जो एरिया है ये आपका रजिस्ट्रेशन मेमोरी है। यहाँ पे आपको बहुत ही लाजवाब डिस्प्ले मिलता है। ये वीडियो में पता नहीं कितना अच्छे से आ रहा है, बट एक्चुअली इट इज वेरी शार्प एंड क्रिस्प डिस्प्ले। इसमें आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप ये टच नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। इसके ऊपर वाला वर्जन यानी कि 700, 900 इन सब में आपको टच डिस्प्ले मिलता है, बट स्टिल दिस इज अ प्रीटी गुड वन। आपका सिलेक्शन चेंज करने के लिए डायल बटन, अप डाउन, लेफ्ट राइट, यस नो, एंटर, एग्जिट, टैब लेफ्ट राइट, ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो आपके स्क्रीन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आ जाएंगे एकदम राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा सारे जो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स से मल्टीपैड कंट्रोल वगैरह दिया हुआ है जहाँ पे आप अलग अलग साउंड्स रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बेहतर चीज दी हुई है जिसका नाम है वन टच सेटिंग। ये वन टच सेटिंग में आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे बटन्स मिलते हैं। इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, वो ये है कि अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो आप जैसे एकम्पनीमेंट कुछ प्ले करेंगे जो चार वेरिएशंस उसके हैं उन चार वेरिएशंस पे वो एक एक करके जो है साउंड ऐसे सेट करके रखेगा। जैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं जब प्ले कर रहा था आपने देखा था, मैं जैसे एकम्पनीमेंट बदल रहा था मेरा इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हो रहा था। एकदम एक्सट्रीम राइट में आपको यहाँ पे एक हार्मोनी और आरपीजीओ का ऑप्शन मिल जाता है। ऑनबोर्ड सस्टेन मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और एंड में आपको डीएसपी का बटन मिल जाता है। डीएसपी अगर आप ऑन करके रखेंगे तो आपके कीबोर्ड की जो साउंड क्वालिटी है हर एक टोन की वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। पियानो प्लेइंग की सुविधा के लिए आपको यहाँ पे ऑक्टेव अप एंड डाउन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ऑक्टेव आप एक ही ऑक्टेव अप और एक ऑक्टेव डाउन ही कर सकते हैं। आते हैं इस कीबोर्ड के पीछे की तरफ। यहाँ पे आपको एक 18 वोल्ट का पावर एम्पलीफायर जो इनके साथ ही शिप होकर आ जाएगा उसको लगाना है। फुट पेडल लग जाते हैं यानी कि सस्टेन पेडल, एक्सप्रेशन पेडल वगैरह दो स्लॉट दिया हुआ है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटपुट के लिए आपको लेफ्ट राइट अलग से दिया हुआ है। ये हेडफोन आउटपुट है, ये आपका ऑक्सिलरी इनपुट है यानी कि आपके फोन पर या किसी भी डिवाइस पर अगर आप गाना प्ले कर रहे हैं तो उसको आप यहां से इंसर्ट करके आप इस कीबोर्ड के इंटरनल स्पीकर से उसको एज अ लाउड स्पीकर इस्तेमाल करके आप प्ले कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिंग अलोंग भी करना है यानी कि एक कराओके ट्रैक के साथ अगर आपको लेट से पियानो पर कुछ बजाना है, यू डू यूजिंग दिस। यहाँ पे माइक इनपुट का बटन दिया हुआ है जहां पे आप एक टिपिकल डायनामिक माइक्रोफोन इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप गाना गा सकते हैं। आपकी वो वोकल भी इसी स्पीकर से निकल कर आएगी। उसके बगल में यूएसबी कनेक्शन दिया हुआ है जिसपे आप देख रहे हैं करेंटली मेरा यूएसबी एक केबल लगा हुआ है। ये केबल इसके साथ नहीं आती, आपको अलग से लेनी पड़ती है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका मिडी इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसमिट नहीं करता है कंप्यूटर तक, ये जो है एज एन ऑडियो इंटरफेस भी काम करता है। यानी कि आप इसके थ्रू ऑडियो इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर सकते हैं, यानी कि आप जो ऑडियो प्ले कर रहे हैं आपका एकम्पनीमेंट, आपके ड्रम किट्स कुछ भी, वो डेटा आप सीधा इसके थ्रू आपके लैपटॉप तक सेंड कर सकते हैं। और एकदम एंड में आपको एक पेन ड्राइव लगाने का स्लॉट मिल जाता है जहाँ पे कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टोन्स वगैरह हो उसको आप यहाँ पे लगा करके इस पर लोड करके रख सकते हैं। तो चलिए आपको ओवरव्यू तो मैंने दे दिया, पर कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। एक तो है साउंड क्वालिटी। मैं बिना डीएसपी के कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये जो ऑडियो इंटरफेस की केबल है जो सीधा मेरे मैकबुक पर जा रही है, लेट्स सी हाउ इट साउंड्स लाइक। देखो ये नॉर्मल साउंड है, अब विथ डीएसपी देखो।
आई डोंट नो ये यूट्यूब पर आपको ज्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं, बट एक्चुअली देर इज अ बिग डिफरेंस। ये सस्टेन देखो ऑन बोर्ड, जब सस्टेन नहीं है इट स्टॉप्स, जब सस्टेन है इतना डिफरेंस आ रहा है। जब एकम्पनीमेंट ऑन रहता है, अगर आप एकम्पनीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त आप ये हारमोनी फीचर का फायदा उठा सकते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए कैसे। नॉर्मली जब मैं बजा रहा हूं हारमोनी ऑन किया हुआ है, लेकिन अगर एकम्पनीमेंट ऑन है, देखिए मैं सी माइनर पकड़ा हूं तो ये बज रहा है। अगर मैं एफ नोट पकड़ू वो ऐसा ही कुछ बजाएगा जो इस पर्टिकुलर स्केल के हारमोनी में आता है। अगर मैं सी मेजर बजा रहा होता तब अगर मैं सी दबाता इट्स अ डिफरेंट नोट, माइनर मेजर, ठीक है। मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, ये देखो जो सिंक स्टार्ट है मैं बता रहा था, अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो ये तुरंत स्टार्ट कुछ नहीं हुआ है, पर अभी अगर मैं दबाऊं अब देखिए हारमोनी ऑन किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया चीज है आपके ये जो मैंने कैटेगरी बटन्स दिखाए थे, अगर मान लीजिए मैंने पियानो वाला प्रेस किया, पियानो पे जितने सारे हैं सारे यहां पे खुल गए हैं। अब मैं इसको इस्तेमाल करके चेंज कर सकता हूं, मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ ले लिया, एंटर दबाना है तो जो वाला मैंने ले लिया यहां पे, अगर मैं दूसरे कैटेगरी में जाकर वापस आता हूं तो वो वही वाले को बजाएगा, ऐसा नहीं कि वापस रिसेट हो जाएगा पुराने वाले में, which is very good. And obviously आप उसको सेव तो कर ही सकते हो आपके इस रजिस्ट्रेशन मेमोरी में। मैं आपको और एक चीज दिखा दूं कि ये फिल्टर कट ऑफ नॉब्स कैसे काम करते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ टोन लिया है, अभी अगर मैं इसको कम कर दूं ये ऐसे हो जाएंगे, अगर मैं इसको बढ़ा दूं मतलब आपकी जो साउंड है वो बंद हो रही है खुल रही है इसको रोटेट करने में। ये आपका रिवर्ब है, ये बहुत ज्यादा रिवर्ब हो गया। ये पूरा रिवर्ब ऑफ है तो ऑब्वियसली आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा अच्छा सा। तो अब से आप मुझे ये भी कीबोर्ड इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैंने अगर उसको और इसको कंपेयर करना है, इसकी कीज़ बहुत हाई क्वालिटी है उसके कंपैरिजन में। दूसरी चीज़, इसकी कीज़ थोड़ी सी लंबी है उसके कंपैरिजन में, एंड ब्लैक कीज़ जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी पतली है। अगर आप एक मिड रेंज कीबोर्ड देख रहे हो 50,000 के आसपास, आई वॉज एक्चुअली कन्फ्यूज बिटवीन DGX 670 क्योंकि वो एक प्रॉपर पियानो है और इसके साथ, बट आई जस्ट थॉट ओके लेट मी गो अहेड विद दिस एंड ट्रस्ट मी आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। कीबोर्ड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है इन केस यू आर इंटरेस्टेड। दिस इज अ वेरी गुड परचेज, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कीबोर्ड लेकर लग रहा है कि नाउ दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू कीप। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इसको लेकर। आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी लगी। और ये जो ये अरेंजर है, बेसिकली ये लोग इसको अरेंजर वर्क स्टेशन कह रहे हैं। वर्क स्टेशन फीचर इसमें थोड़ा सा वैसे तो है, बाय द वे इफ यू आर नॉट श्योर कि अरेंजर क्या होता है वर्क स्टेशन क्या होता है, दिस इज द वीडियो यू वांट टू चेक, ओके? और नीचे वाला ये वीडियो एक रैंडम वीडियो है जो YouTube सजेस्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच।